बड़वानी में सल्लम वाटिका में आदिवासी छात्र संगठन ने हंगामा कर ग्रामीण बेरोजगारों से लूट का आरोप लगाया है। शहर के सल्लम वाटिका में खुद को आत्मनिर्भर भारत संस्था का सदस्य बताकर कुछ लोगों के द्वारा ग्रामीण बेरोजगार युवक युवतियों से 1000 लेकर उन्हें रोजगार दिए जाने का मामला सामने आया है, जहां आदिवासी छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने पहुंचकर मामले की हकीकत जानी, जिसमें संस्था के लोगों द्वारा रसीद नहीं दिए जाने की बात कही, जिसके बाद कलेक्टर से चर्चा के दौरान बताया ऐसी किसी भी संस्था की जानकारी नहीं है। संगठन के लोग इन लोगों की शिकायत की बात कर रहे हैं। जो लोग संस्था का मेंबर बनने आए हैं उनके अनुसार संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा इन्हें पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दिलाकर वहीं पंचायत में रोजगार देने की बात बताई गई थी। वहीं संस्था की तरफ से आई बरखा रावत ने बताया कि उन्हें संभागीय अधिकारी मीणा ने भेजा है, जिन्होंने बताया कि यह एक प्रोजेक्ट है जिसमें पंचायत स्तर पर बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जाएगा, जिनसे 1000 रुपये मेंबर शुल्क लेना है। मौके पर पहुंचे सीएमओ ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर यहां आए हैं, इनके पास कोई परमिशन नहीं है, इन्हें थाने ले जाया जा रहा है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। निर्भर भारत के तरह कैंप लगा है, बच्चों से पैसा लिया जा रहा है नौकरी के नाम पे सर। हाँ, अभी हमको कलेक्टर साहब से सूचना मिली कि सल्लम वाटिका में कोई एक टीम आई है, ट्राइबल के जो बच्चे हैं उनके लिए 1000 रुपये तो बहुत मायने रखते हैं, इनके पास कोई अथॉरिटी लेटर भी नहीं है और ये लोग 1000 रुपये ले रहे हैं लोगों से, और मुझे प्रथम टेस्ट में फ्रॉड लग रहा है, इनके पास जाँच के लिए इनको ले जा रहे थाने, फिर कलेक्ट्रेट भी ले जाएंगे। किरण, कहाँ रहते हो? गंदावल। क्या लेना है यहाँ पर? आत्मनिर्भर की मीटिंग रखी गई थी और उसमें हमें वो लगाया कि पंचायत में बिठाएंगे और अपने पंचायत में रोजगार देंगे। क्या करा यहाँ पर आकर? क्या शुल्क जमा करा? पंजीयन हुआ है आपका? नहीं, हमारा कोई पंजीयन नहीं हुआ, सिग्नेचर करवाए और 1000 रुपये लिए। किस बात के लिए पैसे? मतलब नौकरी के लिए। नहीं, कुछ नहीं दी। आपको सूचना किसने दी थी इसकी? यहाँ आने के लिए किसने बोला? लीडर खड़े बताने आया था। हाँ। गांव में कोई सूचना मुनादी कराई कि पर्चे बांटे, क्या करा? नहीं, पर्चे नहीं बांटे, पुण्या भैया करके है तो उसने बताया ये संगठन निकला हुआ है, इसमें आप फॉर्म डालो उसने नौकरी मिलेगी। हाँ। प्रकाश बंडोड़, प्रदेश अध्यक्ष, आदिवासी छात्र संगठन मध्य प्रदेश। प्रकाश, सरलम वाटिका आए हो, क्या लेना आए हो, क्या समस्या है? यहाँ पर अभी 10-15 मिनट पहले हमारे आदिवासी छात्र संगठन के एक कार्यकर्ता का फोन आया कि यहाँ पर 50-60 लड़के इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर कोई संगठन है जो आत्मनिर्भर भारत करके, वो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को इकट्ठा करके हम आपको रोजगार देंगे, यह बात करके उनसे 1000 रुपये ले रहे हैं। ना उनको रसीद दी जा रही है 1000 की, ना मतलब रोजगार देने की कोई गारंटी दी जा रही है। तो एक तरफ से तो सरकार जो लाखों मतलब पद खाली है, ना उन पर वैकेंसी निकाल रही है, और इस तरह के ग्रामीण क्षेत्र में आके युवाओं से 1000 रुपये जो ले रही है, खुलेआम मतलब एक लूट है। अभी हम कलेक्टर साहब से भी बात हुई तो कलेक्टर साहब बता रहे हैं कि इस प्रकार की कोई मतलब योजना स्कीम नहीं है जो कि अभी रोजगार देने का है, और ये मतलब शासन से इनकी अनुमति भी नहीं है, ये अवैध है और बिल्कुल मतलब एक युवाओं को लूटने का एक तरीका है। शासकीय है कि अर्धशासकीय है? ये अर्धशासकीय है, और अगर अर्धशासकीय भी अगर इनकी स्कीम में कुछ है भी तो यहाँ पर जो जिला प्रशासन है इनकी जानकारी में होना चाहिए कि ये इस तरह से मतलब एनजीओ है प्राइवेट जो कर रहा है, लेकिन इस तरह से ऐसा लग रहा है कि जो रसीद नहीं दे रहे, 1000 रुपये लड़के जमा कर रहे हैं और उनको उनकी रसीद नहीं दी जा रही है 1000 रुपये की, और ना ही उनको रोजगार देने की कोई गारंटी दी जा रही है, तो ये तो पूरा धोखा है और हम इसकी कंप्लेंट करेंगे अभी सरकार से, और नहीं है तो इसकी जाँच करवाएंगे। क्या बोल रहे हैं ये लोगों को, किस तरीके की नौकरियाँ दिलवा रहे हैं? ये बोले कि गाँव में जो प्रशिक्षण देंगे हम, बोले प्रशिक्षण के द्वारा फिर उनको लोन देंगे, नौकरी दिलाएंगे सरकार से, ये बातें कर रहे हैं। अभी पूरी जानकारी अभी बता ही नहीं रहे, वो टाल मटोल कर रहे हैं, जानकारी देने से बच रहे हैं। रावत हूँ मैं, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट से। जी, बड़वानी में आज ये किस चीज़ का कैंप लगाया आप लोगों? जी, आत्मनिर्भर भारत संगठन आवास, ये जो एक प्रोजेक्ट है और ये इसमें है ना जो संभागीय मैम रहेगी, मतलब जैसे हमको इंदौर संभाग से जो निर्देश दिया गया था, जो आदेश मिला है हमको, इसके थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं, और बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से भी, मतलब जैसे हमने ये अगर जो भीड़ इकट्ठी करी है, हमने पैसे लेने के लिए जो फीस बताई गई थी, जो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की फीस हमको बताई गई थी कि 1000 रुपये शुल्क है इसकी पंजीयन फीस, तो उसमें एक आइडेंटिटी कार्ड जो इस टाइप का जो कार्ड रहेगा, प्लस नियुक्ति पत्र रहेगा और एक आदेश जारी होगा, उसमें एक बैग भी रहेगा,
क्या काम करना पड़ेगा इन लोगों को? उसमें ये है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारों तक रोजगार पहुंचाने का कार्य करना है, तो वो डायरेक्ट कोई जैसे है ना गांव ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी डायरेक्ट जाके रोजगार नहीं दे सकता, तो उसका एक माध्यम बना है एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जैसे डिस्ट्रिक्ट पे चार कोऑर्डिनेटर रखा है। काम कैसे देंगे आप? काम क्या देंगे? काम उसके जैसे है ना सर्वेक्षण रहेगा, जैसे ग्राम पंचायत के थ्रू मतलब जैसे है ना सर्वेक्षण रहेगा, जैसे दो दो कैंडिडेट जिनको आज हमने बुलाया था यहाँ पे, दो दो कैंडिडेट रखे हैं हर पंचायत पे, एक ब्लॉक में जैसे स्टार्टिंग से बता दें, जैसे ब्लॉक पे चार डिस्ट्रिक्ट पे चार कैंडिडेट रहे हैं और ब्लॉक पे तीन तीन कैंडिडेट रखें, तो हर कैंडिडेट को जैसे तीन तीन कैंडिडेट रखें तो एक ब्लॉक में जैसे उनको डिवाइड कर देता कि आपकी कितनी पंचायत है एक ब्लॉक में, तो हर पंचायत पे दो दो कैंडिडेट रखने के लिए बताया गया था, तो उन बंदों ने दो दो कैंडिडेट बुलाए थे। जैसे आज जो पार्टी ब्लॉक है, पार्टी ब्लॉक में जितनी पंचायत है 44 ऐसे कुछ बताया, 44 के कैंडिडेट जो आए हुए हैं, तो उनसे जैसे ने शुल्क बोला था कि 1000 रुपये फीस है, और उस फीस में बैग है, आइडेंटिटी कार्ड है, नियुक्ति पत्र है, आदेश जारी होगा। वर्किंग ये रहेगा जैसे है ना ग्रामीण बता रही हूँ, दो दो कैंडिडेट रखे, उन कैंडिडेट को जैसे है ना एक आवास केंद्र खुलेगा वहाँ पे, आवास केंद्र पे जैसे सिलाई मशीन रहेगी वो आगे से मतलब दी जाएगी गवर्नमेंट से, शासन के सहयोग से अगर ये अर्थशास्त्र की योजना बता रहे हैं तो आने वाले टाइम में 5 से 7 साल का प्रोजेक्ट बताया गया है हम लोगों को, और 5 से 7 साल का प्रोजेक्ट बताया गया उसमें बताया गया। उसके बाद दो दो कैंडिडेट रखे हैं, उसके थ्रू मतलब जैसे है ना एक आवास केंद्र रहेगा हर पंचायत पे, आवास केंद्र रहेगा, उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी, जैसे कच्चा माल आएगा, जैसे मास्क बनाने का कपड़ा आया हो, और चार मशीन रहेगी वहाँ पे, 3 से 4 मशीन। उसके बाद की जैसे है ना जो चीज़ें हैं दो कैंडिडेट रखे हैं तो वो सर्वेक्षण करेंगे, जैसे एक पंचायत में चार मोहल्ले आते हैं, चार गाँव आते हैं, उसका सर्वेक्षण करेंगे, सर्वेक्षण करने के बाद जैसे है ना उसमें से कितनी महिलाएँ पढ़ी लिखी है जो रोजगार पाना चाहती है, या जो बहुत सारी महिला रहती है जो घर में रहती है और बाहर से मतलब संभाग में हमको परमिशन दिया गया आदेश जारी और बढ़वानी है, हम लोग यहाँ पे ली थी, हम लोग कल ली थी, बता रहे हैं वो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।